कौन जीत रहा है इस बार बिहार से? जी बिहार से इस बार कौन जीत रहा है? पूरे बिहार के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। बिहार से विधानसभा पे आएंगे? अच्छा, ये बात है। तो बिहार में तो अभी चल रहा है विकास के नाम पर, यहाँ मतलब NDA चल रहा है, अब देखिए उसमें किसका सरकार बनता है। चल जाएगा इस बार NDA? अब तो पूरा नहीं बता सकते हैं कि NDA का पूरा सरकार बनेगा या मतलब किसके साथ जुड़ के बनेगा। अच्छा, RJD में जो आपस में घर में थोड़ी अनबन रहती है, तेज प्रताप तेजस्वी, ये पता है आपको इस बारे में कुछ? खूब पता है। तो बताओ कुछ इसके बारे में। उसका तो अब अंतर कलह, क्या मतलब घर का कलह भी स्टार्ट हो चुका है। बड़े वाले को जिम्मेदारी देने रखी कोई? क्या, जो बड़े वाले भैया हैं तेज प्रताप, उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दे रखी? क्या उसको जिम्मेदारी मिलेगा? एक तो बीबी समारे नहीं हो रहा है, अपने चोली लंगा पहन के घूमता है। उसको जिम्मेदारी दे दीजिएगा तो और पूरा लेके डूब जाएगा। तो आपको लगता है छोटे वाले को जो जिम्मेदारी दे रखी है वो अच्छा काम करेंगे? अरे छोटा वाला करेगा कौन सी, अपने पिताजी के अथी पे चल रहा है। अब देखिए रहे उनके पिताजी को कि क्या हो रहे हैं अभी, मतलब अच्छे आदमी जेल में जाते हैं क्या? अरे भाई चोली लेंगे वाले सही का नहीं, उनका अपना मामला है, वो निजी मामला है, उसको छोड़ दीजिए। जनता को भी नहीं पता ना? नहीं जनता को पता है, सब दिखाया गया था मीडिया में और सब मीडिया वाले दिखाए थे। अच्छा। और उनका बीवी मतलब वो सब ब्रॉडकास्ट की थी। हाँ। कि ये तो रात में चोली लहंगा पहनते हैं, खुद को मतलब राधा बनते हैं, राधा बनती है क्या क्या, मतलब जो हम लोग नहीं कह पा सकते हैं। ऐसे तो भगवान शिव की भी अर्ध नरेश्वर वाली परिकल्पना है। अच्छा, वो तो वही मानते हैं वो अपना को, हो सकता है मानते होंगे, हो सकता है मानते होंगे, लेकिन उनकी बीबी को नहीं पकड़ में आया कि भाई ये बीबी मतलब क्या क्या कहे, समझ में नहीं आ रहा है। आप देख रहे थे TFP न्यूज। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। सभी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thefourthflood.in को विजिट कीजिए, और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए TFP न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।